भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला टीम इंडिया ने 200 रन से अपने नाम किया। इसके साथ ही भारत ने सीरीज भी 2-1 से जीत ली। वनडे सीरीज में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिले। दूसरे वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम पर सवाल भी उठाए गए, लेकिन अंत भला तो सब भला। सीरीज के आखिरी मुकाबले में ओपनर शुभमन गिल का बल्ला भी बोल उठा। युवा ओपनर ने शानदार बैटिंग करते हुए केवल 92 गेंदों पर 85 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 11 दनदनाते हुए चौके भी जड़े। गिल 15 रन से अपना शतक चूक गए, लेकिन उनके लिए ये पारी बेहद खास रही। निर्णायक वनडे से पहले शुभमन गिल कैरिबिया दौरे पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आखिरी वनडे में उन्होंने रन बनाकर अपने फॉर्म में वापसी के बढ़िया संकेत भी दे दिए हैं। गिल को उनकी 85 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। हालांकि जब पोस्ट मैच सेरेमनी में उनके टीम के सीनियर खिलाड़ियों के आराम को लेकर सवाल किया गया तो उनका जवाब बेहद अटपटा था। शुभमन ने सीधा जवाब देते हुए कहा, मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करता हूं। मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचता कि कौन खेल रहा है या नहीं। दरअसल दूसरे मैच की तरह तीसरे मैच में भी टीम मैनेजमेंट ने कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया था। दोनों के आराम को लेकर सोशल मीडिया पर भी इसका गुस्सा देखने को मिला। फैंस काफी नाराज थे। हालांकि टीम हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मैदान पर उतरी और सीरीज जीतने में सफल रही। गिल से जब उनकी बल्लेबाजी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मेरे लिए यह बेहद खास है। मैं एक बड़े स्कोर की तलाश में था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन मुझे खुशी है कि हम सीरीज जीत की ओर बढ़े। गिल ने आगे कहा, यह एक अच्छी पिच थी। शुरुआत में गेंद अच्छी तरह से आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी हुई उसे मारना मुश्किल हो गया था। शुभमन गिल ने आगे कहा, पिछले मैच में मैं सेट था। मैं एक बड़े स्कोर की तलाश में था और गेम को तेजी से लाने की कोशिश कर रहा था। आपको आपके प्रतिद्वंदी पर दबाव बनाए रखना होगा, क्योंकि वनडे क्रिकेट इसी तरह से विकसित हुआ है। एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप से पहले गिल का फॉर्म में वापसी करना टीम इंडिया के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं। इस साल खेले गए 12 वनडे मैचों में शुभमन गिल ने 68 की शानदार औसत और 109 के स्ट्राइक रेट से कुल 705 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं।